बन रही है देख लो देख लो। ओए ओए ताकि कोई सीखा लिया ओए ये काम दे दूं पर टूटा करूंगा आप तो कुछ नहीं करते नहीं करेगा एक पकड़ इसने पूरे ट्रिप में हमारे साथ बहुत ज्यादा की है आज उसके साथ बनती है जब भी आप होल्डिंग करें स्विमिंग पूल जरूर यूज करें आपकी सारी स्ट्रेस जो है ना वो रिलीज हो जाती है सारी थकावट दूर हो जाती है हड्डियां बिटे टांगे वो हाथ पांव थैंक यू फॉर वॉचिंग अस अब हम जाएंगे स्पा की तरह तो हम लोग स्विमिंग पूल से निकला है अभी हम लोग जा रहे हैं रूम की तरफ लगेज पैक करना है और वी मूव टू एयरपोर्ट इंशाल्लाह आई एम ट्राइंग टू ओपन आवर रूम बट द कीज आर नॉट वर्किंग बिकॉज दे ऑलरेडी चेक्ड अस आउट अब उमर भाई गए नीचे वो कहते हैं मैं खुद जाके बात करता हूँ उसके साथ तो ही विल गेट द न्यू की फॉर सम टाइम देन वी विल गेट आवर लगेज आउट क्या मेरे ये जगह छोड़ने को बिल्कुल दिल नहीं कर रहा हाय कितना खूबसूरत है व्हाट अ समर सिर्फ 20 मिनट का टाइम मिला है हमें 20 मिनट के अंदर हमें निकलना है एक करिए सी अंदर वाट जाइए सी फिर कितना निकलना ओह 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 अब बस हमने फटाफट शावर लेना है और निकलने की करनी है शावर ही इसलिए चलो यार रेडी हाँ जी मैं तैयार हूँ मेक श्योर जब भी आप रूम चेकआउट कर रहे हो सबसे पहले अपने वाशरूम को चेक करें आपकी एक्सेसरीज जो है वो सारी आपके पास होनी चाहिए अगर आप कोई भी चीज़ मिस कर देते हैं तो आगे प्रॉब्लम जैसे मेरे साथ ऑलरेडी हो गया मेरा एक लगेज एयरपोर्ट पर आ गया और अब मैं मांग की चीज़ें कर रहा हूँ पैकिंग हो गई है टॉवल ये गीला है इसको बाहर रखते हैं बैग के अंदर सारा कुछ आ गया स्पेशल लेके आए थे हम वीडियोज़ के लिए लेकिन यूज़ नहीं कर सके कोई बात नहीं नेक्स्ट विजिट में करेंगे हो गया सामान सारा ये टिकट हो गई चीज़ गाय तो नहीं गई ऑल डन हम लोग रेडी हो गए लगेज भी हमारा ऑल पैक्ड और रूम हम ऐसे ही छोड़ के जाएंगे मिस करेंगे रूम को बड़ा अच्छा था मज़े का था कुछ था रात को बड़ी फिट नहीं आती थी और सुबह भी टाइम पे उठ जाता है बंदा अगर रूटीन पूरी हो तो होता है जब हम रूम को चेकआउट कर रहे हैं नीचे से बेल बॉय को बुलाया आएगा ही विल पिक अप द लगेज और हम जाके नीचे चेकआउट करते हैं फिर चलते हैं डेस्टिनेशन अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ तू इराक मैं इराक रहा 1 2 3 4 5 हमें तब याद आया जब चिड़िया चुग गई खेत अपने बैगों का ध्यान रखें तीन बैग हैं हमारे ये वाले सेमिया साहब वी हैव टू से गुड बाय टू दिस डेस्टिनेशन अंटिल वी कम बैक एंड आई विश वी विल कम बैक अच्छा है मज़े का है आना चाहिए
आप भी ज़रूर आइएगा, फैमिली के साथ आए, मज़ा आएगा आपको बाकू। चलो जी, वॉशरूम चेक कर लिए हैं, मेक श्योर यू लेफ्ट नथिंग इन वॉशरूम। यार वॉशरूम इनका मुझे बड़ा अच्छा लगा दुबई की नस्बत ना, उनका वॉशरूम बड़ा था लेकिन इनका मज़े का था। बड़ी टॉल्स हैं, फिर हमें इन्होंने जो दिए थे अपने एसेसरीज दी थी, इसमें टूथपेस्ट और सोप्स का शावर इनका। ओह ये देखा, याद आ गया, मैं ये छोड़ के जा रहा था अपना शैम्पू। गुड, कई दफ़ा वीडियो मरवा जाती है और कई दफ़ा बचा जाती है, तो इस दफ़ा बचा गई है। ठीक है, ये देखें शेख साहब, शैम्पू अंदर पड़ा हुआ था। वे रो रहा है शेख यार, क्या हो गया यार, आ जाएंगे दोबारा, आते रहेंगे अब यार, आएंगे, मैं कह रहा हूँ लेके आएंगे तुझे, आ जा, चला आ जा यार, उठ जा प्लीज। मैंने इनको बोल दिया भाई मेरे लिए यार, मैं असल थीम के ऊपर मेरा, इज इट फाइन, यू आर नॉट गुड बिकॉज यू क्लोज अवर रूम, वी वर एंजॉइंग योर हॉस्पिटैलिटी एंड यू क्लोज अवर रूम। Yes, and really your hotel is really nice, we really enjoyed living here and we were in sauna and there was a knock that you need to check out. Ah, and everything has its limits. Yes, so no problem, wo keh rahe ki theek hai ki main kar raha hu, this is big van right? Yeah. Okay, get the car and we'll go for it. Yeah, कमाल है ये होटल की जो है ना लोकेशन, अमेजिंग। लेट मी टेक यू टू द बार। इसका इंटीरियर दे हैव, दे रियली हैव फोकस्ड ऑन द डिज़ाइनिंग थिंग्स। आई विश के हम पाकिस्तान में भी कुछ इस तरह की इन्वायरमेंट बनाए। यहाँ पर एक ही हमें पाकिस्तान रेस्टोरेंट मिला, यकीन करें अंदर गए हैं ना, खाना अच्छा था, खाना अपना मज़े का था, लेकिन वी डिडंट इन्जॉय द इंटीरियर थिंग्स। इनका इंटीरियर ये लोग वाकई में अगर कुछ आपसे चार्ज कर रहे हैं ना, सो एक्चुअली दे आर गिविंग यू द कंफर्ट एट इट्स पीक। एक कमाल का, ये देखें आप, यहाँ पर लाइव म्यूजिक होता है इवनिंग में, वी कुडंट एंजॉय बिकॉज वी वर आउट ऑफ द होटल, वी वर नॉट इनसाइड एट द टाइम ऑफ दिस एंटरटेनमेंट थिंग्स। और मतलब यहाँ पर आप बैठेंगे तो आप फील करेंगे कि यार आप किसी वाकई में अच्छी जगह पर बैठे हुए हैं। तो ये भी एक एग्ज़िट है, और हर एक एक चीज़ को उसकी ऐसी पोजीशन दी गई है कि ऐसा लगता है कि यहाँ पर ही होनी चाहिए थी। ये रहा बार, हियर यू कैन हैव अ लॉट ऑफ ड्रिंक्स एज़ पर योर रिक्वायरमेंट्स। और वाह, इसमें मैंने चीज़ नोट की है कि जहाँ पर भी हमें बाहर नज़र आता है ना अज़रबैजान का फ्लैग नज़र आता है, सेम उसी जगह पे हमें टर्की और पाकिस्तान का फ्लैग नज़र आता है। बिकॉज दीज पीपल रियली लव अस, और वो चीज़ें इनकी इनके चेहरे से फील भी होता है। आई एक्सक्यूज मी, एयर कंडीशन का स्विच हमने तोड़ दिया, वी डिड समथिंग रॉन्ग, नाउ यू विल पे अस, मेबी वाइस वर्सा। ओके, वी हैवंट यूज्ड इट, नो वी नेवर यूज दिस। This is what? This is switch to the door, wall, and this used to regulate the air conditioning. We never turn on because it was cozy. We never used it. I think it was like before. We never used it. But every time during check-in and check-out, we like check it. It's up to you, no problem. But we never used it. Imran Khan, Zindabad. You know Imran Khan? Imran Khan. Yakshim, hoşçakalın. Imran Khan, hoşçakalın. अच्छा, ये लोग भी डेफिनेटली हर चीज़ को देखते हैं। मैन कह रहा बंदे का पुत्र है, तो इट मीन्स रेस्ट ऑफ सारे जो है ना वो ही हैं। यहाँ काफ़ी लोग जो हैं हमारी सियासत के ऊपर गहरी नज़र रखे हुए हैं, क्योंकि ये सारा जो खत्ता है, क्योंकि इमरान खान की पॉलिसी ये थी कि वो ये पूरे खित्ते को एक करके लेके चला जा रहे थे।
आपके अजरबैजान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमानिस्तान और रशिया, इन सब का, और ईरान डेफिनेटली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इन सब को एक पेज के ऊपर ला के चलाना चाह रहे थे, क्योंकि वो जानता है कि अगर ये खिता सारा एक हो जाता है तो वो एक बड़ा ज़बरदस्त एक कम्बिनेशन बना के हमारी ट्रेड, हमारा बिज़नेस, एक सिर्फ मतलब जिस तरह आप कह सकते हैं यूरोपीय यूनियन जिस तरह से अभी इकट्ठे काम कर रही है, उनकी ट्रेड फ्री है, उनका ट्रैवल फ्री है, तो उनकी इकोनॉमी ऑलमोस्ट प्लस माइनस करके सेम ही है, तो यही कुछ वो करना चाह रहा था यहाँ पे। आपका फ्यूल यहाँ पे दिन बाद नहीं आता। इवन मैं आपको बताऊँ, अजरबैजान के अंदर हमने देखा है कि फ्यूल, सॉरी जो बेंजीन है, इसकी एक्सट्रैक्शन इतनी ज़्यादा है, गैस की एक्सट्रैक्शन इतनी ज़्यादा है कि रास्ते में इवन के लिविंग एरियाज़ के अंदर भी छोटे छोटे प्लांट्स लगे हुए हैं जो कि ऑयल कंटिन्यूसली ऑयल निकाल रहे हैं, एक्सट्रैक्शन हो रही है। यहाँ पर कितनी मादनियात मौजूद हैं। तो प्रॉब्लम सिर्फ ये यहाँ पर भी कि करप्शन का मामला है, यहाँ के जो हेड, आई नॉट डिस्कस ऑन दिस, क्या नाम है, इतना क्लियरली डिस्कस नहीं करूँगा, बट यहाँ पर भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन है जो हमारे पाकिस्तान में थी। तो यहाँ पे हमें भी पता चला कि यहाँ के जो महाशय वज़ीर आज़म है वो भाई साहब वो किसी दूसरे कंट्री में जाके आपके कसिनों के अंदर अच्छा खासा पैसा हारे थे। तो फिर उसके जो वज़ीर आज़म का बाप है उसने इधर अजरबैजान के जो कसिनोज हैं वो बंद करवा दिए कि कहीं ये जो है ना पूरा कंट्री ही ना हार जाए। तो अल्लाह ताला ने हमें जो है वो रिच जो है वो मादनियात और ये असासा जात से नवाजा हुआ है। हमें यहाँ पर भी, इन कंट्रीज़ को भी और हमारी कंट्री में भी, हमें जो ज़रूरत है वो सिर्फ़ और सिर्फ साले और ईमानदार हुक्मरान की ज़रूरत है। अगर ये लोग साले हो जाते हैं, ईमानदार हो जाते हैं, यकीन करें कि ये धरती, ये ज़मीन इतनी ज़रखेज़ है कि ये वाकई में सोना उगलती है। अच्छा, मैं ये समझ रहा था कि यहाँ पे ना गुर्बत ज़्यादा है, इस वजह से लोगों ने बड़ी पुरानी पुरानी गाड़ियाँ रखी हुई हैं। कल हमारे दोस्त जो मिले नवीद भाई, उन्होंने बताया कि भाई ये पुरानी नहीं है, असल में ये लोग शौकीन हैं इन गाड़ियों के। ये रशियन मॉडल, रशियन गाड़ी है, लाडा। मैं इसको रिव्यू करना चाह रहा था एक गाड़ी का, लेकिन टाइम में इतना शॉर्ट है हमारे पास, सिर्फ ढाई दिन थे, उसके अंदर क्या कुछ करते, क्या करता क्या ना मरता क्या ना करता और सिचुएशन। तो यार इतनी प्यारी गाड़ी है वो, और इसको इतना वेल मैनेज करके इन्होंने रखा हुआ है, भगाते हैं उसको। जब हम आए थे ना, यही रोड से ज्यादा इनके पास प्रियस गाड़ी, प्रियस गाड़ी जो अपने टैक्सी टैक्सी के तौर पे यूज कर रहे हैं। हमारे वहाँ पे प्रियस गाड़ी एक स्पेशल गाड़ी समझी जाती है, लेकिन यहाँ पे हर दूसरे बंदे के पास प्रियस गाड़ी है, वो जो टैक्सी में यूज हो रही है, टैक्सी में भी यूज होती है, ऊबर पे, गोल्ड पे। तो अगर आप अजरबैजान आए तो आप आने के लिए एक चीज लाजम करें, अपने मोबाइल में बोल्ट ऐप डाउनलोड कर लें। बोल्ट ऐप आपको एयरपोर्ट से लेके इवन आप जहाँ भी घूमना चाहते हैं विद इन अ सिटी तो आप घूम सकते हैं, और बहुत ही मुनासिब पैसों में। अगर आप एयरपोर्ट पे कोई जो एयरपोर्ट की टैक्सी होती है वो करेंगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा महंगी पड़ेगी। अगर आप करते हैं, हम ये बोल्ट ऐप डाउनलोड करते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छी मतलब लाइक इतना डिफरेंस है कि जो एयरपोर्ट टैक्सी है वो आपको 80 मनात से कोई 30 मनात तक चार्ज करती है, लेकिन अगर आप बोल्ट इस्तेमाल करते हैं तो बोल्ट आपको हार्डली 6 से 7 मनात जो है वो करेगी, और इसका डिस्टेंस है मोर देन 20 किलोमीटर्स, जिसमें आपको 6-7 मनात में वो लोग अकोमोडेट करते हैं। तो लाजिम बोल्ट डाउनलोड करें जब भी आप अजरबैजान का ट्रैवल करें। थैंक यू। मेक श्योर कि जब आप ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं ना, तो किसी भी टूरिस्ट प्लेस के ऊपर हमेशा याद रखिएगा कि टूरिस्ट प्लेस के ऊपर हमेशा टूरिस्ट से फायदा उठाने का। पाकिस्तान जब हम उधर आए तो इधर एक है लंदन टैक्सी है जो कि 80 मनात चार्ज करती है, फिर हमने उसे कहा नहीं नहीं, फिर कहता 60, फिर कहता 50। मैंने कहा यार बाहर निकलते हैं, पार्किंग में चलते हैं, तो ऐसा ऐसा आते आते एक लड़के ने 20 की भी आवाज़ मार दी। मैं कहा नहीं यार ये झूठ बोल रहा है, 20 वाला चक्कर कोई नहीं होना, इतना नहीं हो सकता सस्ता। जब हम शहर के अंदर आए मुझे दोस्त का फोन आया, कहता भाई कैसे आए हो? मैं कहा यार वो 30 मनात की हमने टैक्सी ली है। कहता तुम इधर लुटे गए हो? मैं कहा वाकई? उसने बोला बोल्ड करते आपको 5 मनात के अंदर वो उसने एयरपोर्ट से कहीं पर भी छोड़ देना।